इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने जा रहे हैं डेल एस सीरीज आईपीएस पैनल 27 इंच मॉनिटर का, जो कि हमारे पास आके पहुंच चुका है फ्लिपकार्ट से। तो इसे मैंने बिग बिलियन डे सेल पे परचेस किया हुआ है, तो मैं आपको इस वीडियो में कम्प्लीटली इसका जानकारी दूंगा। ये प्रोडक्ट में पहले यूज़ नहीं किया हुआ हूँ, डेल का मॉनिटर मैं यूज़ किया हुआ हूँ, लेकिन ये पर्टिकुलर एस सीरीज आईपीएस पैनल मॉनिटर मैंने यूज़ नहीं किया हुआ हूँ। तो मुझे लगा आप लोगों के लिए एक रिव्यू बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी सही जानकारी मिल जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए एंड तक, एंड मैं आपको दिखा देता हूँ इसका ऊपर वाला फ्लिपकार्ट का पैकेजिंग था जो कि मैंने ओपन कर लिया है। अभी डेल का बॉक्स कुछ इस तरह से निकल के आता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको इसका जो कुछ एड्रेस वगैरह डेल का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग ईयर यहाँ पे आपको अप्रैल 2024 देखने को मिल जाएगा, एंड जो MRP है वो 33,989 प्रिंटेड है, लेकिन ये अराउंड 10-11,000 में आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा। मुझे जो चार्ज किया गया वो 10,500 अराउंड था। तो आप अभी का करंट प्राइस चेक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो यहाँ पे इसे ओपन करते हैं। फिलहाल तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी ये है बॉक्स, ठीक है। तो बॉक्स का पैकेजिंग काफ़ी प्रीमियम है एंड काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से पैकेजिंग किया गया है, एंड इस पर कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम ओपन करते हैं, एंड ओपन करने का दोस्तों आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी कट करके रखा हुआ है, तो ये कुछ इस तरह से निकल के आता है। मैं इसे नीचे रख लेता हूँ ताकि सही से ये अनबॉक्स हो पाए। तो यहाँ पे ये हमारा प्रोडक्ट, एंड यहाँ पे ये कुछ इस तरह से पैकेजिंग होके आया है। ये ब्लैक कलर मैंने मंगवाया था वाइट कम्बिनेशन के साथ, इसे देखेंगे। इसके अंदर आपको एक इस तरह से एक यूजर मैनुअल देखने को मिल जाएगा जो कि आप देख सकते हैं, एंड उसके साथ साथ ये आपको नीचे का जो स्टैंड देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरह से, जो हम इंस्टॉल करके भी आगे देखेंगे। अभी इसके अंदर आपको एक HDMI केबल देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरह से, एंड यहाँ पे और एक कुछ यूजर मैनुअल है। ये पीछे का एक कवर है जो कि आपको दिखाऊंगा इंस्टॉलेशन के टाइम किस तरह से यूज होता है, प्लास्टिक का बनाया हुआ है। एंड ये एक आपको प्लग देखने को मिल जाएगा जो कि मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए, ये आप देख सकते हैं क्वालिटी ठीक ठाक है। एंड अभी इस तरह से देखने को मिलेगा, एंड कम्प्लीटली प्लास्टिक या स्टील मटेरियल के, मैं आपको आगे बताऊँगा। एंड अभी इसे ओपन करते हैं, एंड फिलहाल यहाँ पे मॉनिटर था, एंड बॉक्स के अंदर आपको और कुछ नहीं मिलेगा। अभी दोस्तों ये हमारा मॉनिटर, इसे ओपन करते हैं, देखते हैं क्वालिटी किस तरह से है। तो इसे हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा डेल का मॉनिटर, यहाँ पे डेल का कंप्लीट ब्रांडिंग है। तो ये आप कम्प्लीटली देख सकते हैं 27 इंच का IPS मॉनिटर है, ब्लैक कलर का आगे का स्क्रीन है, एंड पीछे के साइड वाइट आप देख सकते हैं। तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कोई डिफरेंट कलर अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं, लेकिन मॉडल नंबर ध्यान से चेक कर लेना, मैं आपको फ्लैश आउट कर दूंगा मॉडल नंबर क्या है एग्जैक्टली। पीछे की साइड अगर मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे जो ये दिया जा रहा है ये डुअल मॉनिटर स्टैंड लगा सकते हैं, एंड जो कि मैं आपको दिखाया एक कवर है, आप इस तरह से भी इसे करके इसे क्लोज कर सकते हैं कवर को, जो एक्स्ट्रा आता है पैकेज में, या डुअल मॉनिटर लगाने के लिए भी ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टी मॉनिटर वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। स्टैंड के साथ कनेक्ट करना है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है। नीचे की साइड ये पावर प्लग दिया जा रहा है जो कि पावर केबल के साथ कनेक्ट होता है मॉनिटर को, एंड ये स्टैंड के लिए है। यहाँ पे 2 HDMI पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, एंड एक ऑडियो पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे इसका कुछ इन्फॉर्मेशन डेल का है जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, या वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको डेल का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा, एंड आप देख सकते हैं किस तरह से लुक देता है। अभी हम इसे इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद हम देखते हैं कि किस तरह से ये लुक एंड फील देता है, एंड किस तरह से ये ऑन होता है, क्या क्या फीचर इसमें अवेलेबल है। दोस्तों रिकॉर्ड करने के लिए हम जो जो अवेलेबल था बॉक्स में सारे को अलग कर दिए हैं। उसके बाद दोस्तों आपको इंस्टॉल करने के लिए माउंट को कुछ इस तरह से आपको पहले लगाना होता है, पीछे की साइड आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप टाइट कर ले ताकि जो माउंट है वो स्टैंड के साथ कम्प्लीटली सही से फिट हो जाए। आप देख सकते हैं काफ़ी सही से फिट हो गया है, बहुत ही आसानी से आप घर पे ही कर सकते हैं। ये जो प्लास्टिक आप देख रहे हैं ये आपके मॉनिटर के जो पीछे वाला कवर है वहाँ पे आप दे सकते हैं। अगर आप मल्टीपल कंप्यूटर्स लगाना चाहते हैं, मॉनिटर्स लगाना चाहते हैं, वो आप इसे ओपन करके लगा सकते हैं। फिलहाल ये लगाने के बाद पीछे के साइड कुछ इस तरह से दिखता है, और जो आप माउंट आप लगाए हुए हैं वो आपको पीछे के साइड इस तरह से फिट
फिट करा लेना है लॉक पे। उसके बाद दोस्तों ये कम्प्लीटली सही से फिट हो जाएगा। 5 मिनट्स का वर्क है, आप घर पे ही कर सकते हैं, तो ये कुछ काफ़ी स्ट्रांगली ये फिट हो जाता है। अब दोस्तों केबल को आप निकाल लेते हैं, एंड केबल को निकालने के बाद पीछे के साइड आपको प्लग मिलेगा, जो कि मैं आपको वीडियो के शुरुआत में दिखाया पावर के लिए। तो वो प्लग में आपको ये केबल को कनेक्ट कर लेना है, बहुत ही आसानी से फिट भी हो जाता है, क्वालिटी भी काफ़ी सही है। तो ये फिट होने के बाद आपको यहाँ पर पावर देना रहता है, तो चलिए पावर दे देते हैं और देखते हैं किस तरह से ऑन होता है। पावर देने के बाद दोस्तों आपको नीचे एक बटन मिलेगा पीछे के नीचे के साइड, तो वो बटन को आप प्रेस करेंगे तो ये डेल का ब्रांडिंग दिखेगा, वेलकम आपको डेल कुछ इस तरह से करता है, एंड आपका जो मॉनिटर है वो ऑन हो जाएगा। पहले आपको लैंग्वेज सेट करने के लिए पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेट कर लेना होता है, तो इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रहेगा, उसे ओके कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको पावर मोड दिखेगा, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन आपको कर लेना है, ठीक है। तो 4 मिनट्स अगर आप कोई मॉनिटर कनेक्ट नहीं करते हैं वो ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाएगा, तो स्टैंड बाय में 4 मिनट्स के लिए रहेगा। अभी आपको लैपटॉप कनेक्ट करने के लिए जो HDMI केबल दिया जा रहा है वो कुछ इस तरह से आप कनेक्ट करें, 2 HDMI पोर्ट मिल रहा है, आप एक में कनेक्ट कर सकते हैं। एक बार कनेक्ट हो जाए तो दूसरा साइड का जो HDMI है वो आपको आपके लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना रहता है, ताकि वो मॉनिटर कम्प्लीटली फिट हो जाए, कम्प्लीटली स्क्रीन वहाँ पर दिखे। एक बार दोस्तों आप कनेक्ट कर लेते हैं आपके HDMI केबल को लैपटॉप के साथ, आप देख सकते हैं आपका मॉनिटर कुछ इस तरह से डुप्लीकेट स्क्रीन देखने को मिलेगा, आप चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं एंड स्क्रीन को भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सही तरीके से ये वर्क करता है। तो दोस्तों यहाँ पे माइक लगाना होता है, अगर इस पर कोई एक्सटर्नल स्पीकर नहीं है, अगर आपको सुनना है ऑडियो बात करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल हेडफोन या एक्सटर्नल आपको माइक लगाना पड़ेगा, तो साउंड सुनने के लिए आपको कुछ इस तरह से लगाना पड़ेगा। तो अभी ये साउंड आ रहा है एंड काफ़ी सही से आ रहा है, तो अगर आप वीडियो वगैरह देख रहे हैं आपको एक हेडफोन की ज़रूरत पड़ेगा, बात कर रहे हैं कॉल वगैरह पर एक माइक की ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप हेडफोन नहीं लगाना चाहते हैं आप एक्सटर्नल माइक लगा सकते हैं, एक्सटर्नल स्पीकर लगा सकते हैं, एंड लेकिन क्योंकि इस पर जो मॉनिटर है उस पर इनबिल्ड स्पीकर नहीं दिया जा रहा है, आपको एक ऑडियो जैक मिलेगा। तो ये एक ड्रॉबैक था, एक अगर आपको दे देते स्पीकर तो अच्छा होता, लेकिन 10,000 रेंज पे मुझे सही लगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये एडजस्ट कर लेते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट मॉनिटर होने वाला है, अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं या कोई भी ऑफिस वर्क वगैरह करते हैं, तो एक बेस्ट मॉनिटर ये प्राइस रेंज में आप लोगों के लिए होने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको हाइट एडजस्टमेंट नहीं दिया जा रहा है आपको, लेकिन टिल्ट एडजस्टमेंट के लिए आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ये आप हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो स्क्रीन क्वालिटी कैसा है, जो कि मेरे लैपटॉप के साथ मैंने कनेक्ट किया हुआ है। अभी आप देख सकते हैं मेरा लैपटॉप का स्क्रीन एंड मॉनिटर का स्क्रीन कुछ इस तरह से है, एंड यहाँ पर क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, एंड मैं जूम कर रहा हूँ टोटल, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, स्क्रीन ब्लिंक भी नहीं हो रहा है, काफ़ी सही से ये कैप्चर कर पा रहा है। मैं साइड एंगल से भी दिखा लेता हूँ, तो साइड एंगल से भी आप देख सकते हैं किस तरह से लुक देता है, एंड ये फ्रंट एंगल पे आप चेक कर सकते हैं। पिक्चर क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम है एंड काफ़ी बेहतरीन लगा, एंड ये दोस्तों 3-साइडेड बेजल लेस मॉनिटर है, एंड आपको रिफ्रेश रेट 75 Hz का मिल रहा है, एंड रेस्पॉन्स टाइम 4 मिलीसेकंड है, एंड लो ब्लू लाइट टेक्नोलॉजी के साथ ये मॉनिटर आता है। अभी मैं आपको करंट प्राइस दिखा देता हूँ, 11,599 चल रहा है, एंड ये प्रोडक्ट मैंने मंगवाया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं अभी करंट प्राइस क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ये एग्जैक्ट ये प्रोडक्ट मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया हुआ है, जो कि आप रिव्यू देख रहे हैं। तो ये था दोस्तों इस वीडियो में, उम्मीद है आपको दिए गए जानकारी जो भी मैं आपको बताया अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आप ये प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से आप लिंक चेकआउट करके बाय करें, ताकि थोड़ा सा बेनिफिट मुझे भी मिल जाए, आपको भी थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह मिल जाए। हाँ दोस्तों, ये जो डेल मैं रिकमेंड करूँगा कि नहीं, जी हाँ दोस्तों मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा, ये जो प्राइस रेंज है ये प्राइस रेंज के अंदर ये बेस्ट मॉनिटर होने वाला है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। दूसरा ब्रांड
ब्रांड का, सैमसंग वगैरह के भी अच्छा है, लेकिन इसका जो फीचर के साथ आता है डेल हमेशा नंबर वन ही रहा है मॉनिटर के मार्केट में। तो ये मैं जरूर से रिकमेंड करूँगा अगर आप आपका जो नॉर्मल कोडिंग वगैरह हो या डेली ऑफिस वर्क हो या दोस्तों अगर आप एडिटिंग वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं फोटोशॉप वगैरह करते हैं तो एक बेस्ट मॉनिटर है। एंड सबसे खास बात है कि IPS मॉनिटर है, 27 इंच का है, प्राइस काफ़ी बजट फ्रेंडली है। दूसरा दोस्तों इसका जो कंप्लीट एंटी ग्लेयर लेंस है, एंड मैं डेल कम्प्लीटली यूज़ कर चुका हूँ पास्ट में, तो आँख में आपको कोई भी दर्द नहीं होता, काफ़ी लंबे टाइम तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड एक ड्रॉबैक है जो कि मैं आपको बताता हूँ, नेगेटिव है कि इसका इनबिल्ट स्पीकर नहीं है, अगर वो होता तो एक बेस्ट मॉनिटर होता, उसके लिए मैं 4 out of 5 रेटिंग देने दूंगा। एंड क्वालिटी वाइज ठीक ठाक है, आप कम्प्लीटली ये HD स्क्रीन है, आप 4K तो नहीं है ये, लेकिन कम्प्लीट फुल HD वाला स्क्रीन है, लेकिन आप देख सकते हैं क्वालिटी जो कि मैंने आपको दिखाया काफ़ी सही लगा मुझे। एंड लुक वाइज भी काफ़ी प्रीमियम दे रहा है, डेल का ब्रांडिंग वगैरह है, तो मैं जरूर से इसे रिकमेंड करूँगा, आप इसे ले सकते हैं अगर आप एक बजट फ्रेंडली मॉनिटर ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके पास में देखें बेल आइकन को दबा लेना ताकि हम नोटिफिकेशन पा सकें हमारे हर न्यू वीडियो का। आप चाहें आपके दोस्तों का भी वीडियो को शेयर कर ले ताकि उनको भी थोड़ा सा जानकारी मिल जाएगा। तो आप हमें सोशल मीडिया साइट्स भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर में हम लोग अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। हमें ईमेल करने के लिए दोस्तों beunity.channel@gmail.com है हमारा ईमेल ID, आप चाहे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों मैंने कुछ मिस कर लिया है अगर आप ये जो मॉनिटर है उसे ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं या आपको थोड़ा जानकारी ज़्यादा पता है जो कि मैंने इस वीडियो में मिस कर दिया है नहीं बता पाया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि दूसरों को भी थोड़ा सा मदद मिल जाएगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं फिर से मिलता हूँ और एक नए वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों आप देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल बीइंग यूनिक TV।